हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्ली पेंटिंग करेंगे फोक आर्ट। उसके लिए हमें कलर और ब्रश की ज़रूरत होगी। ये हमने सबसे पहले शीट ली। शीट के ऊपर हम एक बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं। वैसे तो वर्ली फोक आर्ट में जो कलर होता है वो रेड बैकग्राउंड होती है और इंडियन रेड, और उसके ऊपर वाइट कलर से काम किया जाता है। वर्ली आर्ट महाराष्ट्र के ठाणे की लोक कला है, फोक आर्ट है, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है और बहुत सी चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी डेकोरेटिव मोटिव्स पीसेज आते हैं मार्केट में, बहुत सारे जगह पर, कपड़ों पर, बोट्स पर, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, हमने अपने जो एक बेस है पेंटिंग के लिए, वो मैंने येलो और ऑरेंज शेड में रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर पेंसिल से ड्राइंग करेंगे। इस पेंटिंग में बेटो हम बॉर्डर भी बनाएंगे और बीच में फिगर। ये मैंने एक स्पंज का ट्रायंगल लिया है, इसमें ट्रायंगल से ही फिगर बनती हैं। मैंने स्पंज इसलिए लिया कि इससे इजी हो जाएगा हमें फिगर्स को बनाना। सबसे पहले हमने मान लीजिए कलर, अगर आप पोटैटो से भी इसका ये ट्रायंगल ब्लॉक बना सकते हो, इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी हमारी फिगर को कलर करने में। अगर आप पोटैटो ब्लॉक से बनाएंगे तो आपको दोबारा कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पंज से मैंने किया है तो कलर पूरी तरह नहीं आया है और मैं इसमें ऊपर से कलर फिल कर रही हूँ। इसे आप मार्कर या स्केच पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि पहले से ही मैंने इस पर स्टैंप लगा दी हैं अपने स्पंज से ट्राइंगल्स की, तो कलर करना बहुत ही ईजी हो गया है ब्रश की हेल्प से। आप ब्रश और पेंट कलर से भी कर सकते हैं या फिर स्केच पेन से भी। अब ये देखिए, पेंट कलर से मैंने फिंगर से इनके हेड्स को बना दिया है, एक एक डॉट लगाया और हेड्स कंप्लीट। इसके बाद हैंड और लेग्स की ड्राइंग के लिए मैं मार्कर ले रही हूँ, और ये जो मैंने ट्री बनाया इसको मैंने मार्कर से लाइन कर दिया। आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं और इनके हैंड बना दिए हैं। ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर हैंड्स। ये डांसिंग फिगर्स हैं और ये ट्री में भी हम डॉट से इस ट्री को डेकोरेट करेंगे, लीव्स और फ्लावर्स बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी हो जाता है, फटाफट डॉट्स हमने लगा दिए और उसके बाद इनको लाइन से, ब्रांचेस से जोड़ देंगे। और आप देख रहे होंगे मैंने ट्री कंप्लीट कर दिया, कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बना दिए, ड्रम बना दिया है और उनके हेड और हैंड और लेग्स भी ड्रॉ कर दिए। बॉर्डर की बारी आती है। बॉर्डर के लिए मैंने बोर्ड मार्क कर लिया है जो कि काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, और ये लाइंस करके बीच में रिदमिक लाइन बना के बॉर्डर डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें भी हम फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट्स करेंगे। ये देखिए, डॉट्स मैंने कंप्लीट कर दिए। अब छोटी छोटी लाइंस बना के इसको एक बेल का रूप दे देंगे और ये हमें पूरे बॉर्डर में करना है। ये हमारी पेंटिंग, बहुत ही सुंदर पेंटिंग तैयार हो गई है। और आप इसको फ्रेम करा के कहीं भी अपने रूम में, अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं बनने के बाद। कुछ और आगे डिज़ाइंस में दिखा रही हूँ, आप ऐसी भी बना सकते हैं या आगे, जैसे ये देखिए, इसमें थोड़ा डार्क कलर लिया बैकग्राउंड में, फिगर्स अलग हैं, इसमें झूला झूलते हुए फिगर्स हैं और ये एक सीरीज में भी डांसिंग फॉर्म्स बनाई गई हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसको अलग ही फॉर्म में बनाया, सन भी बनाया इसमें। ये छोटी छोटी एक एक पेपर पे एक एक ड्रॉ कर दी है। और ये देखिए, तो थैंक यू बच्चों, आप सब बनाए।